हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, इस व्लॉग में बात करेंगे पचकोस मेला। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पचकोसी मेला जिसको हम कहते हैं। यहां का बक्सर का जिला का बहुत ही बड़ा मेला है, बहुत ही विशाल मेला है। तो ये मेला क्यों मनाया जाता है, यहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जी अपने लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर विश्वामित्र जी के आश्रम में पधारे थे, जो कि पहले इसका नाम सिद्धाश्रम था, जो कि आज इसे बक्सर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वो आए थे और यहाँ पर ताड़का वध इन्होंने किया था। और ये जो मेला है, पांच पड़ाव में पार किया जाता है। पहला जो पड़ाव है, यहाँ पर भगवान राम जी जब आए थे तो वहाँ पर इन्होंने पांच तरह के भोजन का आयोजन किया था और हर एक दिन अलग अलग तरह का भोजन यहाँ पर उनको करवाया था। पहला जो उन्होंने भोजन किया था वो उन्होंने अहिरौली में किया था, दूसरा उन्होंने नदाव गाँव में किया, और तीसरा उन्होंने भभुअर, और चौथा उन्होंने बड़का नुआओं, और पांचवा जो है बक्सर में किया था। जी हाँ दोस्तों, बक्सर जो है उस वक्त सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता था, जो कि विश्वामित्र जी की नगरी थी। तो यहाँ पर आकर उन्होंने रमरेखा घाट में ताड़का वध किया था, और ताड़का वध करने के बाद लिट्टी चोखा का भोजन किया था। तो इस वजह से ये मेला जो है पाँचवें दिन जो बक्सर का जो मेला है बहुत ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लेता है, और इस मेला को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो मेले से संबंधित जो भी तैयारियां करनी थी हमने वो कर ली है, और अब हम जाएंगे रमरेखा घाट और वहां पर लिट्टी चोखा बनाएंगे और वहीं पर भरपेट खाएंगे। तो अब आपको ले चलते हैं जहां पर हमने तैयारियां की हुई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जगह। हो गए तैयार। बोरा लेके बोरा जय दादा। मैं फोटो खींच ले रही हूं, गोते-गोते आते आते जाके सब ले ले सारे ले ले। चलो बाबू, तू कहां जा रहा है, तेरे से टूटेगा, टूटेगा तेरे से, लिट्टी नहीं टूटेगा, दांत भी टूट जाएगा लिट्टी को। हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर लिट्टी चोखा भी लगाने वाले हैं। तो आपको दिखाएंगे यहां का दृश्य। अभी आपको हम ले चलते हैं उस जगह पर। चले और आओ घर के आराम से खाते बैठ के। कहाँ भाग रही है? ओए हमारी टीम ये रही। धर्म से भागते जल्दी जल्दी यार, घर पे इतना आराम से खाते ना, बढ़िया से, धुआं भी नहीं लगता। यहाँ पर ज्यादा खाएंगे। अब क्या बोले, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो भाई। ये काट दिए सारा सामान मिला दिया जाता है। नाथ बाबा मामा बहन, नाथ बाबा मैंने मामा बनना, नाथ बाबा देना जाकर भाई। मैं गंगा जी।